हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए IOCL की तरफ से, IOCL कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों IOCL के रिफाइनरी डिवीजन में बंगोगोई गांव जो कि असम में स्थित एक रिफाइनरी, उसमें दोस्तों रिक्रूटमेंट आई है डिप्लोमा वालों के लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जैसे ही हम इंडियन ऑयल फॉर यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर सेक्शन। इसके कैरियर सेक्शन में दोस्तों हम जैसे ही आते हैं तो लेटेस्ट जॉब ओपनिंग का ये हम सेक्शन ओपन करते हैं तो हमारा जो न्यू पेज दोस्तों ओपन होता है उसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल एट बंगोई गांव रिफाइनरी जो कि असम में, इसका नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जूनियर इंजीनियर के लेवल की रिक्रूटमेंट आई हुई। चलिए इस PDF को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ किन किन ब्रांचेस के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आउट की गई हैं। यहाँ पे गाइस इस PDF मैंने डाउनलोड कर लिया और आज के ही दिन का ये PDF है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये एडल्ट रीजन नंबर BGR/01/2021 21 तारीख का ये PDF है। और यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल वालों के लिए एक वैकेंसी, UR की एक वैकेंसी है, और ये दोस्तों वैकेंसी जो है रिजर्व है PWD कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी एक वैकेंसी, और ये भी वैकेंसी PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल में जहाँ पे BSc वाले एलिजिबल है, टोटल 4 वैकेंसी है, 2 UR की है और 2 ST की यहाँ पर वैकेंसी है। और यहाँ पर दोनों वैकेंसी जो ST की है वो भी PWD कैंडिडेट्स के लिए हैं। चलिए और अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जूनियर टेक्निकल जो है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की वैकेंसी, वहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा से एक्सपीरियंस, 3 ईयर का 3 ईयर्स का डिप्लोमा चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है तो भी आप एलिजिबल है, एक्सपीरियंस में अगर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस है तो भी आप एलिजिबल है। और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग से, यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। इसी तरह जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस से BSc चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन सब चीज़ों से, यहाँ पर भी 1 साल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस एज अ आप या फिर अप्रेंटिस या फिर एक्सपीरियंस आप सभी लोग के पास है तो आप वहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद 5 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद फाइनल लिस्ट आएगी। और एक चीज़ बता दूँ, फाइनल सिलेक्शन आपका रिटेन बेसिस पे होगा। यहां पर हम 150 रुपए फॉर्म फीस यहां पर होने वाली है, ठीक है। अप्लाई करने का लिंक दोस्तों आपको 21/4/2022 से आज से 12/5/2012/5 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके या मेल करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/4/2022 स्टार्ट है, 15/4 तक 12/5 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। टेंटेटिव डेट रिटर्न की 22 तारीख है और इसी दिन आपको आपका एग्जाम भी हो जाएगा। और 2/6/2022 को आपका SPTT टेस्ट भी हो जाएगा, मतलब स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये फिक्स डेट है, सबसे अच्छी बात यही IOCL में कि वो अपना रिटन एग्जाम SPTT सारी चीज़ें फिक्स करके देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं फॉर्म को जरूर फिलअप कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।